सो देखो बेटा, तो अपन जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ना, वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे केस जो असी एज्यूम कर रहे हैं इस आर्टिकल लई कि जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट होया विद स्पीड यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद होरिजोंटल। एक्स एक्सिस नो असी होरिजोंटल और वाई नो वर्टिकल ले रहे हैं और उदे अकॉर्डिंगली यू एक्स यू कॉस थीटा ना ये सारा लिख रहे हैं। तो एक ता ए स्टेप है। दूसरा बेटा, जो एक्सेलरेशन है पावली है ना, तो इधर अकॉर्डिंगली ए एक्स जीरो है और ए वाई माइनस जी है ना। तो एक इंफॉर्मेशन है जो साढ़े आर्टिकल नाल रिलेटेड है। फिर उस तो बाद जो प्रोजेक्टाइल है जिस पॉइंट तो प्रोजेक्ट हो गया उसनों असी ओरिजिन मान रहे हैं ना, 0 0 पॉइंट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। और आ जेड़ा पॉइंट ऑफ लैंडिंग है तो इधर कोऑर्डिनेट्स आप कह ले सी पुत्र आर एंड जीरो है ना। तो आर होरिजोंटल रेंज है और ये चीज वाला ख्याल रखियो, जेड़ा ए पॉइंट है और जेड़ा ओ पॉइंट है दोनों सेम होरिजोंटल प्लेन पे है, दोनों का होरिजोंटल लेवल सेम है। फिर बेटा अपना पी पॉइंट सिलेक्ट कीता सी, तो जो तो पार्टिकल प्रोजेक्ट होया वो टाइम है 0 टाइम और जो तो पार्टिकल आफ्टर टाइम टी पी पॉइंट चो लंघ रहा था पी दे कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई और x दी वैल्यू आई सी यू एक्स टी और y दी वैल्यू आई सी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर है ना। ये सारे रिजल्ट्स असी और उस तो बाद फिर टी दी वैल्यू एच पुट करके असी y दी वैल्यू की बनाई सी यू वाई एक्स ओवर यू एक्स माइनस हाफ जी और टी दी जगह पे आपा बेटा एक्स ओवर यू एक्स होल स्क्वेयर है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनी सी। मतलब ये इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है कि जदों कोई भी प्रोजेक्टाइल जेड़ा कि एट एन एंगल थ्रू होया वो जदों स्पेस च मूव करेगा तो उदे रस्ते च आने वाले जिन्हें भी पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स आपां इक्वेशन नंबर 3 तो फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण बेटा फिर आपां कल गल कीती सी टाइम ऑफ फ्लाइट दे बारे है ना इन डिटेल, और इहदा फार्मूला 2 UY/G आया सी नंबर 4। फिर आपां होरिजोंटल रेंज दी भी गल कीती सी है ना सारा आर इज इक्वल टू 2 UX UY/G। और फिर बेटा आपां मैक्सिमम होरिजोंटल रेंज दी भी गल कीती सी है ना, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं सी। हुण अज असी गल करनी है बेटा कि जो थोड़ी इक्वेजन ऑफ ट्रजेक्टरी है वाई, ठीक है, तो ये जिहड़ी इक्वेजन ऑफ ट्रजेक्टरी है इनू आपां इन टर्म्स ऑफ होरिजोंटल रेंज लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ होरिजोंटल रेंज लिखना हो। मतलब आ जिहड़ी एक्सप्रेशन थोड़े सामने लिखी है इस एक्सप्रेशन दे विच आर आना चाहिए वा, तो आर नू इंट्रोड्यूस करना वा, तो इथे आर आना चाहिए ना। तो किदा करना वो आपां हुणी सीख लेना वा, तो क्योंकि वो रिलेशन भी साडे लिए काफी इंपॉर्टेंट होएगा। हुण उस रिलेशन तक पहुंचने तो पहला बेटा देखो गल नू सुनो कि अगर तुसी हैडिंग लिख लो
हेडिंग लिख लो, है ना, ये सब हेडिंग है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये पूरे आर्टिकल दे नाल नाल एक्स्ट्रा चल रही है। तो हेडिंग लिख लो रिलेशन बिटवीन इक्वेशन, या इदा कर लो एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज तो इधर लिए बेटा की करो, इधर देखो तो मतलब ये जो मेन आर्टिकल है उसके नाल आप एक्स्ट्रा टॉपिक भी कल भी किए थे वो कर रहे हैं, तो इधर हेडिंग मैं लिखाता तो ये भी कॉम्पिटिशन लिए काफी लोड पाएगी, इन अंडरलाइन कर लेना ना, ये भी जरूरत होगी। तो हूँ बेटा जो इक्वेशन नंबर थ्री है वो की है, बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री, कि जो कोई एंगुलर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा तो उदा जो पाथ है रस्ता वा उपर जो डिफरेंट पॉइंट्स है तो उन्होंने आपस की रिलेशन है ना, उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि डिफरेंट पॉइंट्स जो है उन्होंने पोजिशन एक्स और वाई की वैल्यू को आपस से रिलेट कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन नंबर थ्री के अकॉर्डिंगली अगर तुसी वाई की वैल्यू देखो तो वो है यू वाई बाय यू एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ जी, और बेटा एक्स स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर है ना। हम तुसी की करो वाई इज इक्वल टू यू वाई बाय यू एक्स इंटू एक्स, ये कॉमन कर लेने अपन, ये कॉमन काट दे हैं। तो वन माइनस हाफ जी। हम बेटा जो एक्स स्क्वेयर है उधर जो एक एक्स का कॉमन निकल चुका तो ऊपर आ गया एक्स, और दूसरा बेटा अपना कॉमन की कटिया यू वाई भी कॉमन कटिया, पर इतने तो यू वाई है नहीं तो अपना इतना लिख सकते हैं यू वाई ओवर यू वाई। तो हम जब आप ऊपरों यू वाई कॉमन कर लिया तो नीचे यू वाई बच जाएगा ना, और नीचे तो यू एक्स भी कटिया तो इतने यू एक्स भी आ जाएगा। मतलब ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो कोई फिजिक्स का रोल नहीं है भी, है ना, फिजिक्स नहीं आती सानू, तो ये तो कॉमन है भी। आ अगर पोर्शन आप इतों कॉमन कटते हैं आ वाला पोर्शन तो ये आ टर्म बचेगी अंदर। हूँ बेटा इन थोड़ा जा ध्यान नाल देखो यू वाई बाई यू एक्स वन माइनस, हाँ जी ठीक है, देखो बेटा हूँ आ गल सुनो, इधर देखो टू यू एक्स यू वाई बाई जी, टू यू एक्स यू वाई बाई जी है ना, तो आ जी जी है इन आप इदा लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, बेसिकली तो ऊपर ही जानी है, तो इट मीन्स आ की बन गया बेटा थोड़ा आर एक्स वाई आर। तो आ थोड़ी इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स है ना, बट आ इन टर्म्स ऑफ की है वाई एक्स से रेंज, तो रेंज की टर्म्स है, तो इन्हें भी साड़ी बड़ी हेल्प करनी है प्रॉब्लम्स नू सॉर्ट आउट करने दे विच। तो ये अपन अंडर द हेडिंग रिलेशन बिटवीन इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज दे हेडिंग दे अंडर अपन इन्हें कवर करना। तो और ये कितना आया रिलेशन वो भी जरूरी है, पर उसमें ज्यादा जरूरी है कि अपन ये रिलेशन याद रखिए, बट ये ऑन द स्पॉट भी तैयार करना। तो थानू दसिया कि अगर थानू इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी याद है तो अपना तीन स्टेप्स दे विच इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज लिख सकते। हाँ जी बेटा वो तो कॉमन पुत्र मैथमेटिक्स ही है, देखो आ वाली इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टरी है,
एक्चुअली आ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। हुण आपां आ सर्कल कीती टर्म नूं जे कॉमन कढ़दे आ तो तुहाडे अंदर आ टर्म बचेगी। एक्चुअली आ वाली टर्म कित्थे है, इत्थे है ना उपर। तो हुण एक्चुअली जदों तुसीं इहनूं अंदर लै जाओगे तो आ वाली टर्म ऑबटेन हो जाएगी, है ना। तो इहनूं चैक किया जा सकता। और आ जी नूं अगर आपां इदां नीचे लिख दईए तां हुण आ सर्कल कीती टर्म आर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आ जी ने ऊपर ही जाना ना पुत। तो इसका वो सारा मैथमेटिक्स ही है। तो आ सर्कल कीती टर्म रेंज है, तो आपां इत्थे रेंज लिखती, तो आ तुहाडे कोल ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ होरिजोंटल रेंज। तो एक तां इहनूं नोट कर लो, हाँ एक तां इहनूं बेटा नोट कर लो। तो इहनूं आपां यूज करांगे न्यूमेरिकल च, पर हाले थोड़ा जिहा थ्यूरी पोर्शन कवर करिए। सो इत्थे तक तां नहीं कोई डाउट बेटा? चलो हुण नेक्स्ट देखो, लिसन। हुण बेटा ध्यान नाल गल नूं थोड़ा जिहा लॉजिकली सोचिए। जदों प्रोजेक्टाइल एट टाइम जीरो ओ पॉइंट तो थ्रो होया तो थोड़ी देर बाद वो इत्थे पहुंचेगा, फिर इत्थे, है ना, एंड सो ऑन। मैं रस्ते दे विच कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट कर रहा हूं। हुण आ जिहड़े तुहानूं पॉइंट्स मैं मार करके दस रहा हां ना डॉट्स, तुसीं की नोट कर रहे हैं बेटा कि इस वक्त जदों पार्टिकल तुहाडा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा तां उह अगे तां वध ही रहा, है ना, अगे तां जा ही रहा, प्लस उह उपर भी जा रहा, उहदी हाइट भी वध रही, उपर नूं भी जा रहा। मतलब आह वाले पॉइंट नालों आह पॉइंट उपर है, उस तों उपर आह है, फिर आह, एंड सो ऑन। और आ पॉइंट तो बाद बेटा आ पॉइंट आ गया। हुण इस पॉइंट तो बाद, है ना, तुसीं की नोट कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल नीचे आने लग पे, है ना। तो मतलब इतने पॉइंट ते आ जिहड़ा पॉइंट है, इन मैं थोड़ा ज्यादा मोटा करता ना, हाईलाइट करता। सो इस पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल उपर जा रहा, फिर नीचे आने लग पाया। और तुसीं नोट करो इस पॉइंट ते जदों प्रोजेक्टाइल होएगा तो उहदी हाइट की होएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। तो तुसी नोट कर रहे आ जिहड़ा पॉइंट है इहनूं मैं बी मार्क कर लिया बेटा। तो तुसी नोट करो कि जिहड़ा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है उहदे उपर जदों पार्टिकल अगे वध रहा तां जदों प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट ते पहुंचेगा तां उस वक्त तो मैक्सिमम हाइट ते है, उस तो बाद फिर उहदी हाइट डिक्रीज करन लग पई। तो मैक्सिमम हाइट नूं आपां कैपिटल एच दे नाल रिप्रेजेंट कर लें। तो कैपिटल एच की है, मैक्सिमम हाइट। तो हुण बेटा लिसन, अगर तुसी चित्राक्ष चित्राक्ष तो देखो बेटा, तो आ पॉइंट समय लगा थानू मैक्सिमम हाइट वाला। हुण ध्यान दियो पुत, जेडी हाइट है ना, एक्चुअली हाइट वर्टिकल डायरेक्शन च बॉडी दी डिस्प्लेसमेंट है। मतलब जदों बॉडी, आपां कहिंदे ना हाइट टर्म यूज करते हैं, हाइट एक्चुअली की रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी वर्टिकली कितना ऊपर है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नू रिप्रेजेंट करती है हाइट। हाइट टर्म का कंसर्न वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नाल। हुण ध्यान दियो पुत,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਆਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਲਿਖਤਾ। ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਆ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਆਰ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਜੇ ਕੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਡੀ ਆਰ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਤੋ ਆ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਆ ਹੈ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਸੋਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੋ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਹਨਾ, ਟੋਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ। ਤੋ ਹਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹਾਈਟ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ,
तो इहदा मतलब आपां हाइट नूं की कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं ते या वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट वर्टिकल डायरेक्शन च है और वर्टिकल डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल दे केस च वाई एक्सिस बननी है ना अपन, तो इस करके इस प्रोजेक्टाइल दे केस च वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इको चीज है, तो इनू कंफ्यूज नहीं होना। हुन अगर तुसी याद करो जदों बेटा बॉडी उपर जांदी है ना, उपर जांदी है तो उदी वेलोसिटी घटदी है कि बढ़ती है, दस सकते हैं? डिक्रीज होंदी है, घटदी है, घटदी है ना। हुन गल सुनो बेटा, हुण जिहड़ा सिचुएशन नाल तुसी फैमिलियर है वो एक्चुअली ना नौवीं दसवीं च तुसी वन डायमेंशनल केस कीता सी कि जदों बॉडी बिल्कुल उपर नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुंदी है तां आपां कहिंदे आ कि उहदी वेलोसिटी उपर नूं जांदे दी घटदी जांदी है और मैक्सिमम हाइट ते पहुंच के उहदी वेलोसिटी जीरो हो जांदी है। हुण इक गल नूं सुणियो पुत्तर, जिहड़ी क्योंकि थोड़े दिमाग चुन सारे पता की इंप्रेशन है कि जदों भी थानू कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट तो तुसी हमेशा की कहने हैं कि मैक्सिमम हाइट ते वेलोसिटी जीरो होंदी है, पर हुण इहनू थोड़ा रेक्टिफाई करना गल नूं, ठीक है, क्लीयर करनी गल नूं, क्योंकि तुसी जिस कंसैप्ट नूं पढ़ के आए हैं ना वन डी कंसैप्ट सी जिहदे च बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई सी। तो हुण देखो बेटा इत्थे थोड़ी बॉडी वर्टिकली नहीं थ्रो हुई, वो इनकलाइंड थ्रो हुई इदां, और इनकलाइंड थ्रो होने करके की है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दा कंपोनेंट होरिजोंटल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट्स है। जिहड़ा आ वाला कंपोनेंट है ना ये बॉडी नू होरिजोंटल डायरेक्शन वाल अगे ले जाने लई जिम्मेवार है, हाँ इहदे करके बॉडी होरिजोंटल डायरेक्शन वाल अगे वधदी है और इहदे करके बॉडी उपर नू जांदी है। सो मैक्सिमम हाइट ते जाके बेटा, मैक्सिमम हाइट ते जाके वेलोसिटी पूरी दा जीरो होना जरूरी नहीं है। केदा जरूरी है जीरो होना? जेड़ा कंपोनेंट बॉडी नू उपर ले जा रहा तो वेलोसिटी दे उस कंपोनेंट नू जीरो होना चाहिए। ते हुण जेड़ा बॉडी दा वेलोसिटी दा केड़ा कंपोनेंट है जेड़ा कि बॉडी नू उपर नू ले जा रहा, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली की है वो वर्टिकल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आज तो बाद याद रखो बेटा कि थोड़े सामने जेड़ा प्रोजेक्टाइल है जिन्हों आप कहने हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई। जेड़ा एक्स कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टाइल नू होरिजोंटल डायरेक्शन वाल अगे ले जाने लई जिम्मेवार है, जेड़ा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल नू वर्टिकल डायरेक्शन वाल ले जाने लई जिम्मेवार है। हुण बेटा आ जिहड़ी वेलोसिटी है जिहनू असीं कहिंदे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ए मैक्सिमम हाइट ते जाके जीरो हो जाती है, टोटल वेलोसिटी दा जीरो होना जरूरी नहीं है। तो जदों तुसी गल करते हैं मैक्सिमम हाइट दी तो आ वाला जिहड़ा टॉपिक आपां लिखिया वा, तो एक तां तुहानू क्लीयर हो जाना चाहिए इन्नी लंबी डिस्कशन तो बाद जिहड़ा एक्चुअल कंसैप्ट तुहाडे दिमाग च रहना चाहिए कि अगर असी प्रोजेक्टाइल नाल डील कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल दे केस दे विच इनिशियल वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट्स है जिन्हों एक्स और वाई कंपोनेंट्स भी कहने हैं, होरिजोंटल ते वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कहने। जेड़ा होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल नू होरिजोंटल डायरेक्शन वाल शिफ्ट करने लिए जिम्मेवार है ते जेड़ा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो उन्हों वर्टिकल डायरेक्शन वाल शिफ्ट करने लिए जिम्मेवार है, और मैक्सिमम हाइट ते जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने जीरो होना ना कि टोटल वेलोसिटी। तो तुसी कहोगे कि फिर
ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੀਟਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ u cos 90 ਮਤਲਬ 0, ਮਤਲਬ ਵਰਟੀਕਲ ਥਰੋ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 0 ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 0 ਹੈ, ਤਾਂ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਥਰੋ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਥਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਥਰੋ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ 0 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਟੋਟਲ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਥਰੋ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਹੀ 0 ਹੋਣਾ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੋਰ ਐਨ ਇਨਸਟੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ 0 ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ,
सॉरी उल्टा लिखता, डेल्टा वाई कितना आ गया एच दे बराबर, क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उन्हों असी एच बोल रहे हैं, तो डेल्टा वाई की वैल्यू एच होएगी। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कदों होएगी जो वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हुण बी पॉइंट पे पहुंचे पार्टिकल जिहड़ा वा, तो ओ वेले ओदी वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट सी, पर बी ते पहुंच के ओदी वेलोसिटी दा वाई कंपोनेंट की हो जू जीरो, क्योंकि जे जीरो नहीं हुंदा तां पार्टिकल ने बी तो होर उपर जाना, तो इस कारण करके बी मैक्सिमम है, तो उत्थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दा जीरो होना जरूरी है, तो वेलोसिटी दा वाई कंपोनेंट जीरो हो जाना मैक्सिमम हाइट पे। हुण आ जिहड़े दो रिलेशन है इन्हां नूं आपां किदां लिखांगे पुत्तर, तुसीं लिखदे आए हां वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर की हुंदा 2as, तो ये आपां जिहड़ा इक्वेजन लिखदे आए हां ना, ये लिखदे आए हां वन डायमेंशनल ले, तो जे टू डायमेंशनल है ओहदे लिए आपां केहड़ी इक्वेजन लिखदे सी, वी स्क्वेयर ए डॉट डेल्टा, तो आ लिख रहे हूं बेटा। तो आ जड़ी इक्वेजन है ये 2D ही लिखते हैं जनरली, पर जे थानू मैं कहां कि आपां सिर्फ इक्वेजन केदे लिए लिखनी है अलोंग वाई एक्सिस ले, वो क्यों, क्योंकि मैनू पता लग गया कि हाइट का संबंध वर्टिकल डायरेक्शन नाल है और वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो इस करके आपां वाई एक्सिस की गल करनी है, तो आ वाली इक्वेजन वाई एक्सिस ले की बन जानी है तो इतने एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट आ जाना और डिस्प्लेसमेंट का भी वाई कंपोनेंट आ जाना। अच्छा तो हुण लेफ्ट साइड पे भी तो फिर वाई कंपोनेंट से इन्वॉल्व होने, तो अलोंग वाई एक्सिस दे लई वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s नू अपन वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ay इनटू डेल्टा वाई लिखना, तो आ इक्वेजन वाई एक्सिस लई लिखी वही इक्वेजन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, पर वाई एक्सिस लई लिखण करके इहदे सिंबल्स बदलते हैं थोड़े जिहे। हुण क्योंकि आ वाली वैल्यू जीरो है और आ जड़ी वैल्यू है इज इक्वल टू 2 और आ वैल्यू बेटा माइनस जी है और आ वैल्यू एच है, तो आ माइनस और आ माइनस कैंसल आउट हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यू वाई स्क्वेयर बाय 2g, 2g आ गई। तो जितना आपां टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिया सी 2uy/g, तो मैक्सिमम हाइट दी वैल्यू आ गई uy स्क्वायर बाय 2g, तो ये रिजल्ट थोड़ी टिप्स ते चाहिदा, और इस रिजल्ट तक पहुंचने लिए जो आपां गल कीती भी है ना, एडी लंबी गल कीती है, उहदा निचोड़ की है कि मैक्सिमम हाइट ते क्या हमेशा टोटल वेलोसिटी जीरो होना जरूरी है। रक्षित जदों भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होएगी क्या उसकी वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है? हाँ ठीक है बेटा शाबाश, तो ये गल नूं याद रखना पुत्र, ठीक है ना, क्योंकि जिहड़ा 1D कंसैप्ट 9th च पढ़िया सी ना, वो 1D कंसैप्ट सी, ये हुण 2D कंसैप्ट है, तो इस करके आपां वो वाला पूरा रिजल्ट इत्थे नहीं सोचना और उन्हों मैं क्लियर करता, तो ये फर्क नूं नाल लैके चलना वा, है ना, क्योंकि जो 9th दे विच जिहड़ी साल दी प्रैक्टिस कीती है वो दिमाग च रह जाती है कि मैक्सीम हाइट का मतलब टोटल वेलोसिटी जीरो, वो जरूरी नहीं है। मैक्सिमम हाइट पे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होएगा, तो
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ।